नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जैसे SSC CGL बैंक हो गया, रेलवे हो गया, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो मेरा नया फ्रेंड्स है रिक्वेस्ट है आप इस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन के बीच की रेखा है? भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो वह है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों सीमा रेखा आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वह चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वह कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अशोक वही अशोक जिनको अशोक महान कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो होता है एंडोस्कोपी में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो उसमें होता है आयोडाइड। आयोडाइड समुद्री शैवाल में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के फल को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बिना बीज के फलों को विकसित करने की एक विधि है। ओके फ्रेंड्स, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के वासी है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के वासी है? तो है आंध्र प्रदेश के। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के वासी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो है आग्नेय सेल। ग्रेनाइट आग्नेय सेल है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं, किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है? किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो है मछली। मछली की संख्या सभी जीवों में से संसार में सबसे ज़्यादा में होती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहे का जो विष आता है मारने के लिए, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड चूहों को मारने का विष का रासायनिक नाम है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तेरह देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो है वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं, नियमों का पालन करना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो है न्यायपालिका का। ओके फ्रेंड्स, कोर्ट का नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो वह है न्यायपालिका यानी कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, गीता सेठी नाम किस खेल से जुड़ा है? गीता सेठी नाम किस खेल से जुड़ा है? तो वो खेल है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स खेल से जुड़ा है गीता सेठी का नाम। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।